खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियलटर गुर जतेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदन ते वेचन लई तुसी कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, मैं सुरभि शर्मा, तुसी देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी। खबरां ते इस बुलेटिन च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। पेशां देश विदेश दीआं कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन दा वड्डा बयान, कमला हैरिस राष्ट्रपति बनन दे योग। जलंधर पश्चिमी दे नवे विधायक बने आप दे उम्मीदवार महेंद्र भगत, कांग्रेस ते भाजपा नूं दित्ती सख्त टक्कर। छोटे अपराधां संबंधी पहल दे आधार ते केस दर्ज कीते जाणगे, डीजीपी गौरव यादव। वड्डी खबर, आइस ट्रक नाल फड़े अमृतपाल सिंह दे भरा दे साथी दा डोप टेस्ट आया पॉजिटिव। जिमनी चोणां मगरों भी गरमाई रहेगी पंजाब दी सियासत, तुरंत बाद फिर पैणगियां वोटां। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका दे राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस देश की अगवाई करने लई योग हन। बाइडन ने इत्थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच ए वी कहा कि शुरू तो ही मैनू इस बारे कोई शक नहीं रहा, और राष्ट्रपति बनने दे योग हन, इसलिए मैं उसनू चुनिया है। इस टिप्पणी दे कारणां बारे पुछे जाते उन्होंने कहा कि सब तो पहला जिस तरह उसने औरतों की आज़ादी के मुद्दे नू संभालिया, अते दूजा लगभग किसी भी मुद्दे नू संभालन की उसकी शानदार योग्यता इसका कारण है। बाइडन ने अगे कहा कि जदों तक मैनू नहीं लगता कि वह राष्ट्रपति बनने योग है, मैं उसनू नहीं चुनता। साल 2020 अमरीका के उपराष्ट्रपति वजो चुनी जाने वाली 59 साल की हैरिस पहली औरत, पहली काली अमरीकी, पहली दक्षणी एशियाई अमरीकी है। पिछले महीने रिपब्लिकन विरोधी डोनल्ड ट्रंप नाल एक टीवी बहस में असफल रहने तो बाद नवंबर 81 साल के बाइडन राष्ट्रपति की दौड़ तो हटन के लिए कहा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाइडन की जबान फिसल गई और गलती नाल कमला हैरिस नू साबका राष्ट्रपति ट्रंप कह दिता। उन्होंने कहा कि मैं उपराष्ट्रपति के अहुदे लई ट्रंप नू नहीं चुनता। जे मैं सोचता सी कि वह राष्ट्रपति बनने दे योग नहीं हन, यानी कि हैरिस। बाइडन अमरीका के सब तो बजुर्ग राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि मैं चोणां लड़न दे लई वचनबद्ध हाँ। मैनू लगता है कि मैं राष्ट्रपति लई चोण लड़न दे लई सब तो योग व्यक्ति हाँ, ते मैं उन्हां नू एक बार हराया सी अते हुण मैं उन्हां नू दुबारा हरावांगा। यानी कि बाइडन इत्थे ट्रंप नू हराण दी गल कर रहे ने। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस तों इलावा यह विचार कि सैनेटर अते कांग्रेस दे राष्ट्रपति अहुदे लई दौड़ रहे मैंबर टिकट नू लैके चिंतित हन, यह असाधारण नहीं है। अते मैं यह कहना चाहांगा कि राष्ट्रपति चोण दी दौड़ विच घट्टो घट 5 अजिहे राष्ट्रपति सन जिन्हां दी लोकप्रियता दा पद्धर मेरी मौजूदा लोकप्रियता तो घट सी। बाइडन ने भी कहा कि इस लई इस समय इस मुहिम विच लंबा सफर तय करना है, अते इसलिए मैं बस जारी रखांगा, अगे वधदा रहांगा। जलंधर पश्चिमी हल्के दीआं जिमनी चोणां दे लई पईआं वोटां दे 13वें गेड दे रुझान सामने आ चुके हन। इस विच आप उम्मीदवार महेंद्र भगत ने यह सीट जित लई है। उन्हां नूं 55,244 वोटां, कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र कौर नूं 16,757 वोटां, बसपा उम्मीदवार बिंदर कुमार नूं 734, अकाली उम्मीदवार सुरजीत कौर नूं 1,242 अते भाजपा दे उम्मीदवार शीतल अंगराल नूं 17,921 वोटां मिलीआं हन। स्थानक डिफेंस कलोनी विच स्थित खालसा कॉलेज फॉर वुमेन विच सवेरे 8 बजे वोटां दी गिनती शुरू हुई, जिस संबंधी जिला चोन अधिकारी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल दी अगवाई दे विच जिला प्रशासन ने सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध किए हुए सी। 12 बजे तो पहला ही नतीजा काफ़ी हद तक साफ हो गया सी। कुल 13 राउंड विच वोटां दी गिनती की गई। इस विचाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र भगत के घर जश्न का दौर भी शुरू हो गया। परिवारक मैंबर रिश्तेदार समर्थकों के वालों नच टप के खुशी मनाई जा रही है। उन्होंने वालों एक दूजे को मिठाई भी वंडी गई। परिवारक मैंबर ने जलंधर वैसे लोगों का और मुख्यमंत्री भगवंत मान का विशेष तौर पर धन्यवाद किया। जिक्रयोग है कि महेंद्र भगत के चोन प्रचार की कमान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आप संभाली सी, ते उन्होंने नाल पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री भी इतने लगातार प्रचार करते रहे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करदिया कहा कि विधानसभा हलका जलंधर पश्चिमी की जिमनी चोन विच आम आदमी पार्टी की शानदार जीत की सब नू बहुत बहुत बधाई। वड्डी लीड नाल मिली जीत ये दर्शाती है कि पंजाब भर के लोग साडी सरकार के कम्मां तो बेहद खुश हैं। जिमनी चोन दौरान किते वादे अनुसार जलंधर वैस्ट नू भी असी बेस्ट बनावांगे। महेंद्र भगत जी नू बहुत बहुत मुबारक।
भारत च मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों दी 13 सीटा ते हुई विधानसभा उप चुनाव चोणा के नतीजे आ चुके हैं। सारिया सीटा ते 10 जुलाई नूं वोटिंग हुई सी। इन्हां विच कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा नूं 2, आप डीएमके ते आजाद ने 1-1 सीट हासिल की है। इन्हां 13 सीटा विचों भाजपा दे कोल 3 सीटा हन, कांग्रेस कोल 2, टीएमसी कोल 1, जेडीयू 1, आप 1, डीएमके 1, बसपा 1 ते आजाद उम्मीदवार कोल 3 सीटा सन। इस उपचुन विच भाजपा नूं 2, कांग्रेस नूं 4, टीएमसी नूं 4, जेडीयू नूं 0 अते आप नूं 1, डीएमके नूं 1, बसपा नूं 0 अते आजाद नूं 1 सीट मिली है। पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव ने सूबे दे विच गैर समाजिक अंसरां अते नशा तस्करां दे खिलाफ कार्रवाई संबंधी पुलिस दे उच्च अधिकारियां ते सारे जिला पुलिस मुखियां दे नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही मीटिंग कीती। डीजीपी ने जिला मुखियां नूं सूबे विच अपराध खिलाफ कार्रवाई तेज करन लई लुट खो ते चोरी वर्गे छोटे अपराधां दे मामलिआं च पहल दे आधार ते केस दर्ज करन दे आदेश दित्ते। उन्होंने सारे पुलिस कमिश्नरां ते एसएसपीज नूं किन्होंने अपराधां विच गिरफ्तारियां करन अते अदालत दे विच समाबद्ध ढंग नाल चलान पेश करन दे निर्देश दित्ते। उन्होंने सारे पुलिस अधिकारियों नूं वख-वख केसां विच समाबद्ध ढंग नाल जांच मुकम्मल करन दे आदेश भी दित्ते। डीजीपी ने वख-वख केसां विच भगोड़े मुलजमां दी गिरफ्तारी ते जोर दित्ता। डीजीपी ने नशा खिलाफ विड्डी मुहिम दा भी जायजा लिया अते जिला पुलिस मुखिया नूं नशा तस्करां ते नत्थ पाउण दे लई कहा तां जो नशा दी आम उपलब्धता नूं घट कीता जा सके। गौरव यादव ने पुलिस कमिश्नर ते एसएसपी नूं सूबे विच होर विलेज लैवल डिफेंस कमेटी बनाउण दे आदेश दित्ते। उन्होंने कहा मौजूदा समय 6500 के करीब कमेटियां बनाई हुई हैं जबकि सूबे विच 12000 के करीब कमेटियां की कुल लोड़ है। स्पेशल डीजीपी अंदरूनी सुरक्षा आरएन टोके ने दसिया कि इस साल पंजाब पुलिस ने 5 अतवादी संगठना का पर्दाफाश करके 35 अतवादियों को गिरफ्तार किया। मीटिंग विच स्पेशल डीजीपी स्पेशल टास्क फोर्स कुलदीप सिंह, स्पेशल डीजीपी इंटरनल सिक्योरिटी आरएन टोके, एडीजीपी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रमोद बाल, पुलिस कमिश्नर रेंज दे आईपीस डीआईजीस एते सीनियर पुलिस कप्तान हाजिर रहे। एमपी अमृतपाल सिंह दे वड्डे भरा हरप्रीत सिंह नूं जलंधर पुलिस ने आइस ट्रक्स ने गिरफ्तार किया सी। अमृतपाल दे भरा नूं जलंधर देहाती पुलिस ने फिलौर नेड़े नाके दे कोल गिरफ्तार किया सी। हरप्रीत सिंह नाल उसदे साथी लवप्रीत सिंह नूं भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस तों मिली जानकारी अनुसार हरप्रीत सिंह दे उसदे साथी दा डोप टेस्ट करवाया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस संबंधी एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान यह दसिया कि पुलिस पार्टी ने फिलौर नेड़े नैशनल हाईवे ते साइड ते नाकाबंदी की हुई सी जिस दौरान एक काले शीशिया वाली क्रेटा गड्डी अमृतसर का नंबर सी। जदों पुलिस पार्टी ने शक पैन ते चैकिंग की तो 4 ग्राम आइस प्राप्त हुए। इस तों इलावा उन्होंने कोल एक पानी 20 रुपए का नोट, एक लाइटर ते एक मोबाइल फोन बरामद होया। उन्होंने दसिया कि संजीव अरोड़ा वासी ईटानगर थाना हब्बोवाल नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी दसिया गया है कि पुलिस ने 22-27 एनडीपीएस एक्ट तहत दर्ज केस जिस तों बाद मामले च 29 का वादा किया गया। उन्होंने यह भी दसिया कि इन्हां दे नवे कानून अनुसार वीडियोग्राफी भी की गई है। पुलिस ने यह भी दसिया कि हरप्रीत सिंह ने पुछगिछ दौरान दसिया कि वह करीब 3 साल तो नशे का सेवन कर रहा है। पंजाब दे 4 विधानसभा हलकियां च होण वालियां ज़िमनी चोणां तो तुरंत बाद पंजाब दीआं 4 नगर निगमां दीआं चोणां दा रस्ता लगभग साफ हो गया। अमृतसर, जलंधर, लुधियाना ते पटियाला दे कांग्रेसी वर्करां च नगर निगम चोणां नूं लै के भारी उत्साह है। इस दा मुख कारण लोक सभा चोणां च कांग्रेस दा पंजाब च चंगा प्रदर्शन मन्निया जा रहा है। पंजाब च अपनी कमजोर हुई पकड़ नूं मुड़ मजबूत करन च बेशक कांग्रेस लोक सभा चोणां च सफल रही पर आने वाले कुछ ही समय च गिदड़वाहा, बरनाला, डेरा बाबा नानक ते जब्बेवाल विधानसभा हलकियां च होण वालियां ज़िमनी चोणां तो तुरंत बाद नगर निगम 41 नगर कौंसलां ते 13,241 पंचायती चोणां होणगियां। इस नाल ही पंजाब दीआं 23 जिला परिषदां ते 150 पंचायत समितियां दीआं चोणां भी पंजाब दी सियासत नूं गरमाउणगियां। पंजाब च सब तों वध लोक सभा सीटां हासिल करन तों बाद कांग्रेस अपने कमजोर होए आधार नूं सूबे च मुड़ तों मजबूत करन च सफल रही। कांग्रेस दे सीनियर आगू प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर सिंह राजावरिंग समेत होर पार्टी आगुआं ने आने वालियां निगम, नगर कौंसल ते पंचायती चोणां राही पार्टी नूं पहलां नालों भी ज़्यादा मजबूत करन दी व्योतबंदी ते काम शुरू कर दित्ता है। कांग्रेस इन्हां चोणां राही 2027 दीआं विधानसभा चोणां नूं जोड़ के ही अपने रणनीति तय करेगी।
पटना हाई कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ग्रेजुएशन से प्रश्न पत्र लीक मामले च बिहार पुलिस वालों गिरफ्तार किए गए 13 लोगों की हिरासत केंद्रीय जांच ब्यूरो नू दे दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI हुन इन्हां मुलजमान नू हिरासत च लैके पुछगिछ कर सकेगी अते उन्हां दा सामना मामले दे मास्टरमाइंड रोकी उर्फ राकेश रंजन दे नाल करवा सकेगी जिस नू वीरवार नू गिरफ्तार किया गया सी। एजेंसी ने सूबा पुलिस वालों गिरफ्तार किए गए 13 व्यक्तियों की हिरासत नू उस नू सौंपन की अपील की सी। इन्हां मुलजमान नू कुछ दिन पुलिस हिरासत च रखन तो बाद न्यायिक हिरासत च भेज दिता गया सी। CBI दी पटीशन 2 जुलाई नू पटना स्थित CBI दे स्पैशल मैजिस्ट्रेट ने इस आधार से रद्द कर दी सी कि गिरफ्तारी तो बाद पहले 15 दिनों के अंदर पुलिस हिरासत मंगने की कानूनी मियाद खत्म हो चुकी है। सरकार ने एमरजेंसी के समय दौरान अनमनुखी दुख चलन वाले लोगों के अहम योगदान की याद में 25 जून संविधान हत्या दिवस वजो मनाने का फैसला किया है। इस दिन 1975 एमरजेंसी का ऐलान किया गया सी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस वालों 1975 ऐलानी गई एमरजेंसी को भारतीय इतिहास का काला दौर दसिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान हत्या दिवस मनाने नाल हर भारती विच व्यक्तिगत आजादी अते लोकतंत्र दी राखी दी अमर लाट बलदी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय वल्लों जारी एक गजट नोटिफिकेशन विच कहा गया कि 25 जून 1975 नूं एमरजेंसी दा ऐलान किया गया सी जिस तों बाद उस वेले दी सरकार ने सत्ता दी दुरवरतों कीती अते भारतीयां दे वधीकियां अते अत्याचार किए गए। इस विच कहा गया है कि भारत दे लोकां नूं संविधान ते इस दे लोकतंत्र ते पूरा विश्वास है। जलंधर पश्चिमी जिमनी चोन च आप दे उम्मीदवार महेंद्र दी जित ते वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उन्हां नूं वधाई दित्ती। इस दौरान उन्होंने पत्रकारां दे नाल गल करदिआं कहा कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान दी सरकार ने पंजाब दे किते कम्मां ते मोहर लाई है। उन्होंने कहा कि 2 सालां च जो काम किते हन उसदा ही लोकां ने सानूं फतवा दित्ता है अते इस तों पता लगदा है कि विरोधी पार्टियां पंजाब अंदर अपना सियासी आधार खो चुकियां हन। उन्होंने कहा पंजाब दे लोकां नूं पता है कि पिछले 5 सालां च कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। कांग्रेस ने पंजाब नूं बर्बाद करन तो इलावा होर कुछ नहीं किया अते अकाली अते बसपा दी तां गल ही छड्ड दिओ। इस दौरान उन्होंने दल बदलू बारे गल करदिआं कहा कि दल बदलू जो हुंदे हन मैनूं लगदा है सियासत च उन्हां दी कोई वड्डी थां नहीं हुंदी। हमेशा अपनी पार्टी नाल खड़ना चाहीदा है। जो हमेशा परिवार अते पार्टी नाल खड़दे हन उन्हां दी ही जित हुंदी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार डिपू होल्डरां अते सूबे की आर्थिकता विच शामिल सारे हिस्सेदारां दे हितां की राखी लई पूरी तरह वचनबद्ध है। यह प्रगटावा करदिआं खुराक सिविल सप्लाई अते खपतकार मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने दस्सिया कि डिपू होल्डरां की भलाई नूं यकीनी बनाउण दे लई सूबा सरकार की समुची वचनबद्धता के हिस्से वजो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत डिपू होल्डरां नूं अदा किए जाण वाले कमीशन की बका 45 करोड़ रुपए की मार्जन मनी अगले हफ्ते तक डिपू होल्डर के बैंक खात्या में जमा कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप राज्यपाल VK सक्सेना नूं दिल्ली विकास अथॉरिटी की तरफों अदालत विच दायर एक अर्जी के बावजूद सही विचार किए बिना दरख्तों नूं कट्टण की इजाजत देने लई फटकार लगाई है। जस्टिस अभय एस, जस्टिस ओका अते जस्टिस ओजल भुइया की बैंच ने अदालत की अगाऊ इजाजत ले बिना दरखत कट्टण के उपराज्यपाल के कदम नाल सख्त असहमति प्रगटाई। सिखरली अदालत ने इस मामले में उपराज्यपाल की शमूलियत नूं छुपाउण दीआं कोशिशां दी निखेधी की अते कहा कि उन्होंने सुनवाई के पहले दिन ही सूचित किया जाना चाहिए सी कि उन्होंने दरखत कट्टण दीआं हिदायतां जारी कीतियां सन। सरकार वालों पंजाब दियां जेलां दी सुरक्षा नूं होर मजबूत किया जा रहा है। इस नाल ही जेलां च नवे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं तां जो जेलां च बंद गैंगस्टरां ते कैदियां नूं जेल दे अंदरों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही अदालत विच पेश किया जा सके क्योंकि कई बार अजिहे खतरनाक अपराधियों नूं अदालतों विच लैके जाना खतरे तो खाली नहीं हुंदा। इस लई गृह विभाग वालों पंजाब दियां 9 जिला जेलां विच 3-3 नवे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाए जा रहे हैं। भावें कि कुछ जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम हैं पर नवे कानून के लागू होने ते कैदियों अते नज़रबंदा दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही अदालतों में पेश करन दी हिदायतों तो बाद पंजाब दे गृह विभाग ने सारिया जेलों में नवे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाउण दा फैसला किया है। इस काम लई गृह विभाग वल्लों 74 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक पासे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं राहत मिली अते दूजे पासे उन्हां नूं झटका भी लगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल नु अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पटीशन दायर की सी, जिससे अदालत ने यह फैसला दिता। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करदियां इस नु वड्डे बैंच कोल भेजने की सिफारिश की, अते नाल ही केजरीवाल नु अंतरिम जमानत ते रिहा करन दा फैसला सुनाया। हालांकि अदालत ने अंतरिम जमानत नु लेके कई शर्तां भी रखियां हन। केजरीवाल जमानत की म्याद तक मुख्यमंत्री वजो काम नहीं कर सकते। जे केजरीवाल नु सीबीआई केस विच राहत मिल जाती है तो बाहर आ जाते हैं तो भी वह काम नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म च कहा है कि केजरीवाल अपनी रिहाई तक मुख्यमंत्री दफ्तर अते दिल्ली सकत्तरेत नहीं जाएंगे। अदालत ने कहा कि केजरीवाल नु 50,000 रुपए का जमानत बांड अते इन्नी ही रकम की एक जमानत जेल सुपरिटेंडेंट नु जमा करवानी पवेगी। केजरीवाल उदो तक अपनी सरकारी फाइलों से दस्त नहीं कर सकेंगे जदों तक दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी की लोड़ नहीं होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूदा मामले में अपनी भूमिका बारे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। केजरीवाल किसी भी गवाह नाल गलबात नहीं कर सकते अते केस नाल संबंधित किसी भी अधिकारित फाइल तक नहीं पहुंच सकते। फैसले तो बाद अदालत ने यह भी कहा है कि केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत को वड्डी बेंच वालों वधाया जा वापस लिया जा सकता है। उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून च शक्की रेडियो एक्टिव समगरी वाला एक बॉक्स रखन दे दोष च 5 लोगों नू गिरफ्तार किया है। देहरादून पुलिस नू वीरवार नू राजपुरा पुलिस स्टेशन च एक मुखबर ने सूचना दी कि शहर के एक फ्लैट च कुछ शक्की लोग आए हैं। पुलिस नू मुखबर ने दसिया कि ये लोग रेडियो एक्टिव डिवाइस लैके आए सन अते इस नू खरीदन जां वेचन दी गल कर रहे सन। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस फ्लैट ते छापा मारिया जिथे 5 लोग मौजूद सन। उन्होंने कोलों एक यंत्र मिलिया जिससे रेडियोग्राफ कैमरा मैन्युफैक्चर्ड बाय बोर्ड ऑफ रेडिएशंस एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी BARC ब्रिट वासी कंपलैक्स सैक्टर वी वासी नवी मुंबई लिखा होया सी। चेन्नई के मदुरे हवाई अड्डे से उस समय हफड़ा दफड़ी मच गई जदों 100 तो वध यात्रियों को फ्लाइट च सवार होने तो रोक दिता गया। दरअसल यात्रियों के कोल जो टिकटां सन वह सारिया जाली सन। जाली टिकट बारे सुन के यात्री हैरान रह गए और उन्होंने पता लगा कि टिकट के नाँ ते उन्होंने नाल ठगी हुई है। इस गल का खुलासा उदों होया जदों सूबे के वक् वक् जिलों तो 106 लोग अयोध्या जाने लई मदुरे हवाई अड्डे ते पहुंचे। एयरपोर्ट से जदों सारे ने चैक इन किया तो उन्होंने टिकटां चैक कीतियां गई तो उन्होंने सारे एयरपोर्ट के गेट से ही रोक दिता गया। उन्होंने यात्रियों को दसिया गया कि उन्होंने टिकट जाली है, इस कारण सारे यात्री बहुत परेशान हो गए। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जे भारतीय दंड संहिता तहत कोई FIR दर्ज की जाती है पर इस नाल संबंधित अर्जी या पटीशन 1 जुलाई तो बाद दायर की जाती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रबंध लागू होंगे, जिसने IPC की थान ले ली है। अदालत ने IPC तहत दर्ज FIR नू रद्द करने लई 4 जुलाई नू CRPC की धारा 482 तहत दाखिल पटीशन नू रद्द कर दिता। नाल ही BNSS के प्रबंधा नू लागू करदिया उचित पटीशन दायर करने की आजादी दी है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल दियां प्रशासनिक शक्तियां वधा दित्तियां। दिल्ली की तरह हुण जम्मू कश्मीर च राज सरकार उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। जम्मू कश्मीर च इसे साल सितंबर तक विधानसभा चोणां होने वाली हैं। अजिहे च उपराज्यपाल दियां शक्तियां वधाउण नूं लैके केंद्र का फैसला महत्वपूर्ण मनिया जा रहा है। राज च किसी की भी सरकार बने पर अहम फैसले लैण दियां शक्तियां उपराज्यपाल कोल होणगियां। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 की धारा 55 के अधीन 100 नियमों नू नोटिफाई किया है, जिस LG नू शक्ति देने वाली नवीं धारावां जोड़िया गई हैं। इस 100 तो बाद उपराज्यपाल हुण पुलिस कानून व्यवस्था ऑल इंडिया सर्विस नाल जुड़े मामलों च ज़्यादा अधिकार होंगे। इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एडर्सन ने लॉर्ड्स वेस्टइंडीज़ खिलाफ पहले टेस्ट मैच बाद अपने 22 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर से पूरा विराम लगा दिता है। दूजे पास टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी ने साल 2024 धर्मशाला मैदान से अपना 100वां मैच खेडिया। रविचंद्रन अश्विन हुण 37 साल के हो चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन के डिगदे फिटनेस लैवल में देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही अश्विन भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नू अलविदा कह सकते हैं। इस दौरान मीडिया च एक खबर भी ट्रेंड कर रही है कि रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तो संन्यास लैन तो पहला ही अपने लिए एक होर नौकरी लभ ली है।
दिल्ली पुलिस ने इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस यानी IFACO सेल ने कीर्ति चक्कर नाल सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी ते एक्स से अपमानजनक टिप्पणी करन नू लेके FIR दर्ज की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय महिला कमीशन ने खुद नोटिस लेंदे हुए इस मामले च दिल्ली पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाई सी। पुलिस के एक अधिकारी अनुसार भारतीय न्याय संहिता एक्ट और सूचना टैक्नोलॉजी एक्ट दियां संबंधित धारावां दे अधीन IFSO इकाई च FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मंच तो भी उस नू गिरफ्तार किया जाएगा ते हटाया जाएगा। मशहूर उद्योगपति अते रिलायंस इंडस्ट्रीज दे मुखी मुकेश अंबानी दे छोटे पुत्र अनंत अंबानी अते राधिका मर्चेंट दा विआह दुनिया दे सब तो महंगे विआह च शामिल हो गया। मीडिया रिपोर्टां मुताबिक इस विआह दा खर्च करीब $60 करोड़ उदे करीब है। विआह दे प्रोग्राम पिछले 5 महीनों तो चल रहे हैं। उधर ही शुक्रवार को मुंबई विखे 27 मंजिला अंबानी परिवार की रिहायश इंटेलिया तो बारात निकली अते बांद्रा कुरला स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची जो पूरी तरह भारतीय थीम सज के तैयार से। इस ब्याज बॉलीवुड हॉलीवुड तो लैके खेड जगत ते राजनीति नाल संबंधित लोग भी वड्डी गिनती च शामिल होए। खर्च दे मामले च सब तो वड्डा ब्याह इसलिए मन्या जा रहा है कि क्योंकि दुबई दे शेख मोहम्मद बिन राशिद दे ब्याह च $13 करोड़ प्रिंस अल्बर्ट अते कैरलीन दे ब्याह च $7 करोड़ प्रिंस चार्ल्स अते डायना दे ब्याह च $4 करोड़ खर्च होए सन। हुन अंबानी परिवार ने इस ब्याह ते इन्नी वड्डी रकम खर्च करके नवी मिसाल कायम कर दिती है। हे सांझी देश विदेश दियां कुछ खास ते चोरमियां खबरां होर अपडेट्स नाल जुड़े रहने लई तुसी बने रहो पंजाब मिल यूएस टीवी दे नाल। तुहाडे सब दा बहुत बहुत धन्यवाद।